और फिर कोई ग्रुप हो उसके लिए क्षमा मांगने के बाद और किसानों ने किसान आंदोलन वापस किया। हम इनका अभिनंदन करते हैं और किसानों की सेवा में, किसानों के जीवन में उत्थान लाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए गन्ना भुगतान लटका हुआ है। मंत्री जी, पश्चिम में गन्ना भुगतान लटका हुआ है, सहारनपुर में ही 5 चीनी मिलों पर करोड़ों का बकाया है। अरे हाथ ना लगाओ यार, 14 दिन में आपकी सरकार ने कहा था गन्ना भुगतान करने को, अभी तक गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, करोड़ रुपए लटके हुए हैं। देखिए सपा, आरएलडी और बसपा, ये तीनों मिलकर के अपने आप को भाजपा के खिलाफ आजमा चुके हैं। हम 51% वोट और 64 सांसद जुटा चुके हैं, तो अब ये कुछ नहीं कर सकते। जनता इनको नकार चुकी है, इनको आराम चाहिए और हम लोगों को काम चाहिए, हमें लोगों की सेवा करना। आईडी कहाँ रख रहा है पार्टी का? कोई प्रत्याशी नहीं महा नवंबर से हम लोग जनपद में नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसमें कुल 57 लोगों की नवंबर माह में गिरफ्तारी हुई है और करीब 17-18 किलो डोडा और चरस हम लोगों ने रिकवर किया है और करीब 1.5 किलो स्मैक हम लोगों ने नवंबर में रिकवर किया था, जिसमें कुल 57 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। तो इसी अभियान के क्रम में पुलिस मुठभेड़ में थाना सरसावा पुलिस और हमारी जो स्वाट और सर्विलांस की टीम है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से 3 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से करीब 566 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी करीब 1 करोड़ कीमत बताई जा रही है। 2 इनके साथी जो ग्राम झवीरन थाना सरसावा के रहने वाले हैं, वो मुठभेड़ में भागने में सफल रहे, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट लगा के उनके ऊपर जो भी अवैध रूप से उन्होंने अपनी संपत्तियाँ बनाई हुई हैं, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। चूँकि ये बहुत अच्छा गुड़वर्क है, इसमें बरेली से आने वाला जो सोर्स है, सोर्स से आने वाले लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में स्मैक इसमें रिकवर हुई है, इसलिए टीम को उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इसमें रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। सर, इन अभियुक्तों के साथ में एक महिला अभियुक्ता भी है, उसका क्या रोल है इस पूरे मामले में? इसमें बताया जा रहा है कि महिला अभियुक्ता का प्रमुख रोल इसमें है, वो भी मुख्य रूप से, ऐसा नहीं है कि केवल साथ में आ गई थी, उसका प्रमुख रोल है इस व्यवसाय में और ड्रग तस्करी। सर, हर बार जो है ब्रेल से स्मैक मिल रही है, तो क्या पूछताछ में बरेली के किसी बड़े आदमी का नाम आया है? इसमें हम लोगों ने बरेली के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके हम लोग इंटरोगेशन रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि वहाँ पर भी लोकल स्तर पर भी गिरफ्तारियाँ उसमें काफ़ी हो रही हैं, जनपद बरेली में भी, तो और बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, तो और बेहतर अंकुश लगाने में हम लोग सफल रहेंगे। जैसे कि आप हमारे सहारनपुर में आए, आपने यहाँ पे चरण स्पर्श किए हमारे टैगोर गार्डन में आके, उसके लिए आपका सबसे पहले हार्दिक दिल से धन्यवाद। जैसे आज श्रीमद् भागवत का आज सप्तम दिवस है जी, और इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, आज भागवत कथा का सप्तम दिवस चल रहा है, आप लोगों ने बड़ी अपना अमूल्य समय देकर के इस भागवत कथा को श्रवण किया है, और यही मैं बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा, हमेशा सत्संग सुनते रहो, इसी में हमारा कल्याण है। और जो भी कमेटी वाले, जो आपके मीडिया के कमेटी वाले हैं, इस भगवत कथा को जो टीवी के जरिए श्रवण कर रहे हैं, जो किसी दिशा में आ नहीं पा रहे हैं कथा में, जो हमारे मीडिया वाले भैया हैं, वो इस भगवत ज्ञान रूपी गंगा को टीवी के जरिए उन तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उन सभी के लिए मेरा धन्यवाद बहुत बहुत। और यही कहूँगा बिहारी जी से कि जितना हो बिहारी जी, हमेशा धर्म के कार्य में रहो, हमेशा धर्म के कार्य करते रहो, यही जीवन का सार है, यही जीवन का कर्तव्य है। और कल, आज भागवत कथा का सप्तम दिवस है, कल भागवत कथा की पूर्णाहुति है, कल भागवत कथा विराम हो जाएगी, कल पूर्णाहुति हो जाएगी, और जो भी मीडिया वाले भैया यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी कल भंडारे में पधारे और आकर के बिहारी जी का प्रसाद ग्रहण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम जी। आप भाई साहब को शुभ नाम। मैं अब्दुल सुन सैनी,
ये कौन सी कॉलोनी में श्रीमद भागवत चल रही है? ये सानपुर जिला सानपुर टेगर गार्डन कॉलोनी में भागवत तरह चल रही है, दो तरह से चले हैं और आज सातवां दिन है और कल कलश पूजा होने के बाद भंडारा 3 बजे शुरू होगा और मोहल्ले के निवास से सबसे निवेदन है कि टाइम पर आकर के प्रसाद ग्रहण कीजिए। राधे राधे। परिचय, मैं वरुण शर्मा, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी सहारनपुर। आज क्या कार्यक्रम दिए हैं? हमारे कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है। सहारनपुर में महानगर चैप्टर में आज 18वां दिन हमारी इस प्रतिज्ञा यात्रा का चल रहा है। आज जो वार्ड हमने क्लासी लाइन में हमने जो क्षेत्र नियम प्रतिज्ञा यात्रा से करने का काम किया है उसमें हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो दीदी ने प्रतिज्ञा ली है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो घर घर तक हमारा संकल्प पहुँचे और 2022 में एक स्वच्छ सरकार ऐसी उत्तर प्रदेश को मिले जो एक आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास परिवार, युवा, महिलाएँ, बच्चों के ध्यान में रखते हुए इस उत्तर प्रदेश को खुशहाली की ओर ले जा सके। अभी आपने एक प्रश्न हमारे संभावित प्रत्याशी बड़े भाई चंद्रजीत सिंह निप्पू जो हमारे पार्षद दल के नेता भी हैं नगर निगम में उनसे पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने आज ये कहा कि क्या सरकार आपने बनाई तो हम बहुत कुछ देंगे। मेरा आप चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना है, सरकार बनेगी वो तो बात की बात इनकी, सर्वप्रथम जिन परिस्थितियों से आज एक आम आदमी गुजर रहा है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो युवाओं की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में ये सरकार विफल रही है। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है प्रतिज्ञा यात्रा के माध्यम से आम आदमी को जागरूक करना और 2022 में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाना। धन्यवाद। जय हिंद। आपका नाम? चंद्रजीत सिंह निप्पू। आज क्या कार्यक्रम? नगर निगम सहारनपुर। आज क्या कार्यक्रम? हमारी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा जो महंगाई के खिलाफ लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने शुरू की है उसी के क्रम में आज लगभग 18वां दिन हमें हो गया लगातार और हम 35 वार्ड सहारनपुर महानगर में कवर कर चुके हैं। उस यात्रा को लेकर के आज हम शिवद्याल आहता, खलासी लाइन, अग्रवाल चक्की वाली गली, भीमसेन वाली गली, बिहारी लाल का आहता, इन सब क्षेत्रों में, नेहरू नगर, इन सब क्षेत्रों में हमारे माननीय महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी के साथ मिलकर के और बहुत अधिक महिलाएं इस यात्रा में मात्र शामिल है क्योंकि जो महिलाएं महंगाई से पीड़ित हैं उनमें स्वयं भावना उत्पन्न हो रही है कि सरकार को उखाड़ फेंकें और एक आक्रोश उनके अंदर है। एक आंधी तूफान जो चल रहा है, जो 22 के चुनाव में जब वोटिंग का दिन होगा वो तूफान के रूप में कमल के पंजे को, जो कमल का निशान है, उसको उखाड़ फेंकने का काम। आज ऐसे केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने कहा अगर एक बार फिर से बीजेपी सरकार आई तो इस बार जो अगली सरकारें होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो फ्री राशन देने का काम कर रही है ये मार्च तक का इन्होंने तय किया और मार्च के बाद वो हमारे शरीर के अंदर जो खून की एक एक बूंद निचोड़ने का काम करेंगे। ये इतने धूर्त लोगों की सरकार है कि हमको जो सिलेंडर 350 रुपये में मिलता था ये आज 1000 रुपये में बेच रहे हैं और कहते हैं कि हमने हिंदुत्व मजबूत किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि महंगाई दर किस तरीके से हिंदुत्व मजबूत हो रहा है? कोई बलिदान अगर आरएसएस का इस देश के प्रति हो, आज आपने घटना देखी कि हमारे CDS साहब जनरल रावत राष्ट्रपति के बाद जो सर्वोच्च सेना के अधिकारी हैं वो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। इस तरीके का कोई हेलीकॉप्टर सेना के सबसे बड़े अधिकारी को दिया गया जो तकनीकी रूप से खराब था, या हमारे देश पर कोई आतंकवादी हमला हुआ? ये बहुत गंभीर विषय है, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक स्थिति आ चुकी है और ये सरकार निकम्मी साबित हो रही है हर क्षेत्र में, चाहे पुलवामा हो, चाहे आज रावत जी की मौत का मामला हो। इसकी बहुत बड़े स्तर पर जांच होने की आवश्यकता जो इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि करेगी।